तो भाई लगातार जींद से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, क्लिवर स्टेडियम से इस साइड जो आप देख रहे हैं भाई, नशे के खिलाफ युवा एकता संगठन और जो महिला शक्ति है, देखो भाई नारे लगाती हुई बिल्कुल आने लग रही हैं हमारी चाची ताई, बिल्कुल मतलब एक तरफा माहौल इन्होंने बना रखा है। बिल्कुल कहने की बात यह है कि भाई माहौल ऐसा इन्होंने बना रखा है, ये देखो भाई बिल्कुल नजा मतलब एक तरफा माहौल। कहाँ से पहुंचे? बेंगलुरु से। बेंगलुरु राम राम पंडित जी, कहाँ से आए हो? अच्छा क्या कुछ सारा काम काज छोड़ के, मतलब सब कुछ काम छोड़ के आगे आए हैं? बीजेपी सरकार जिंदाबाद, 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 मुख्यमंत्री जिंदाबाद साहब पहुँच रहे हैं, सीएम साहब बहुत खुशी है इसके बारे में, हम लोग तन मन धन से इसके लिए सब काम छोड़ के हम यहाँ पे आए हैं। अच्छा और क्या कुछ लगा, आने वाले समय में इलेक्शन भी होगा, फिर क्या कुछ लग रहा है आपको, यही सरकार होगी, सरकार सही काम कर रही है क्या? सरकार सही काम कर रही है। अच्छा बिल्कुल आपने लगा सही चल रहा जो भी है? बिल्कुल सही है जी, हमने तो ये लगा तो भी दोबारा। अच्छा भाई जी, जो पेंशन पुनशन खाते हम आवा सही है, पहला सही है, सही है, सही है। अच्छा सही है सारा। तो भी देख सको, इनका कहना है कि भाई जो भी काम है सही चल रहा है, और ये पूरा काम दाम छोड़ के सारी मतलब वही करवा लेंगे। अच्छा जो काम नहीं होया होगा वही करवा लेंगे। अच्छा जो फैमिली आईडी है जो है सारा सिस्टम सही है, मतलब हाँ सही चल रहा है, पहले ठीक था भाई, कागज नहीं हुआ करते ज्यादा, ऑफिस आगे चक्कर भी नहीं काटने पड़ते। अच्छा घर बैठे पेंशन आ जाती है, घर बैठे सारे काम हो जाते हैं, और कोई गलत काम करे तो उसकी जेल होनी चाहिए, अधिकारियों पे भी सख्ताई बरतनी चाहिए और गरीब आदमी की सुननी चाहिए, कानून होने चाहिए। मतलब सारे कानून सही होने चाहिए, अगर कुछ कमी रह गई है तो अब की बार ठीक कर देने चाहिए। अच्छा अब आगे क्या कुछ लगा आपने, किस मतलब 2024 में इलेक्शन आता है, अगर अगली बार 10 की 10 सीट जीतने की उम्मीद है? 10 की 10 दस की दस देख सको भाई, मतलब 10 की 10 जीतेंगे। अच्छा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी चला रखे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी पूरी तरह से सक्षम है बिल्कुल। अच्छा उसमें कोई कमी नहीं है, मतलब शिक्षा की बात कर ले, बेरोजगारी जो आपने कहा कुछ लगा, बेरोजगारी तो थोड़ी है, हाँ उसका बेरोजगारी का समाधान होना चाहिए, फिर तो हलने को ना देवाना इसने। अच्छा अगर बेरोजगारी खत्म हो जाती है तो ये विदेश में जाने की जरूरत नहीं रहेगी बच्चों को। जी जी हाँ, तो यहीं पे ऑस्ट्रेलिया, यहीं पे अमेरिका, यहीं पे सब कुछ हो जाएगा। चलो अगर थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान दिया जाए तो। जी जी चलो ठीक है ताई जी, बहुत आप तो भाई पूरी बातचीत सुन ली आपने कि भाई क्या बताओ, मनोहर लाल खट्टर विकलांगा का 85% लगी पास नहीं कर रहा बस में। अच्छा नारे लाम कर रहा है नहीं, यह सरकार नहीं है, हमें पसंद नहीं है यह सरकार, ये पास होना चाहिए, पास होना चाहिए 85-80% लग पास होना चाहिए, पास होना चाहिए बस हमें। चलो ठीक है, मनोहर खट्टर सरकार बढ़िया नहीं है, बीजेपी सरकार की नीतियों के कारण 12 राज्यों में बीजेपी आई है जी, तो हमें उम्मीद है कि हरियाणा तो ये उम्मीद कर रहा है कि अब की बार तो यहाँ पर तो कांग्रेस आनी आनी है, मेरे को नहीं लगता, मेरे को नहीं लग रहा है कि अब की बार फिर यहाँ बीजेपी के चांस पूरे हैं, पूरे हैं। कैसे लग रहे हैं आपको? आपको नहीं लग रहे हैं कि जब इसमें राजस्थान में गहलोत सरकार को इतना मजबूत मान रहे थे वहाँ पर ये हाल हुआ है, तो यहाँ देख लो यहाँ पर तो लोग बटे उड़ हैं, वहाँ तो एकजुट थे, तो मेरे को तो उम्मीद है कि 101% यहाँ भी पटकनी देगी। अब कहीं कहीं हरियाणा में भी 2 योजना इनकी होगी, और कहीं कहीं हरियाणा का ये होता है कि भाई बदलाव की नीति भी होती है, फिर वो भी आप देखिए। ये देखो योजना तो हर जगह पूरा भारत में दो तीन होली, लोग ये नहीं देखते, लोग काम को देख रहे हैं। अच्छा लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जींद को देख लो, यहाँ पर कहाँ पर आन जान के रास्ते बंद थे, अब सब जगह लोगों को सुविधा मिल रही है, लोग सुविधा को देखेंगे योजना को नहीं देखेंगे, क्या योजना वाली। तो मेरा उम्मीद है कि एक बार फिर लोगों को ये मौका देवेंगे ये। अच्छा हाँ बीजेपी को, और ये अब जो राजस्थान हुआ है ये हरियाणा में भी होने जा रहा है, मतलब जो कल वहाँ पर रिजल्ट था वो सेम हरियाणा में दिखेगा? सेम नहीं दिखेगा, तो हरियाणा को उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अच्छा। जो कल का रिजल्ट है, और अब की बार फिर ये पटकनी देगी सर। अच्छा हाँ जी चलो अच्छी अच्छा लगा आपने, तो इन्होंने अपने जो विचार रखे हैं, और भी राम राम ताऊ जी, आप कहाँ से पहुँचे हो जी?
रेवाड़ी से। कुछ आज स्पेशल सारा समाज इकट्ठा हो रहा है और सीएम साहब भी हैं, तो क्या कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है जी। अगली बार सीएम साहब दो आएंगे, अगली बार भी पक्की बात है।